झारखंड सरकार के वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव लोहरदगा के परिषदन ने कार्यकर्ताओं और आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को निपटाने का कार्य किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम को लेकर हमेशा तैयार रहने को कहा है। मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भाजपा पर हमला बोला है, साथ ही हेमंत सरकार को गिराने की साजिश करने सहित ईडी के मामले पर घेरा है। उन्होंने राज्यसभा के मुद्दों पर कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, मुख्यमंत्री से मांग की गई है इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत मजबूत है कांग्रेस की, हम लोग मांग किए हैं, सभी मंत्रीगण गए थे अध्यक्ष के साथ और लोग भी जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग को दे दीजिए, हम लोग लड़ना चाहते हैं इस बार। लेकिन फिर भी पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है, वो लोग फैसला बोल रहे, पार्टी नेतृत्व लेगा। देखिए एक चीज़ तो है, एक पैटर्न के रूप में चल रहा है पूरे देश में, जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकारें हैं वहाँ हर किसी न किसी तरह से तंग किया जा रहा है, सरकारों को गिराने की कोशिश की जाती रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सभी जगह चल रहा है, चाहे आपको ये देख लीजिए महाराष्ट्र हो, यहाँ भी कोशिश लगता है मैं ऐसा कहूँगा, दावे के साथ नहीं कर सकता कि ये कोशिश ऐसी ही है। और ईडी एक संस्था है, उसके विरुद्ध हमें कुछ कहना नहीं है, सत्य के खोज तक जाना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है किसी को। हम लोग तो पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन जो संस्थाएं हैं जांच के अन्वेषण की संस्थाएं, उनको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, इतना ही सलाह दूंगा मैं। सर एक बात और है कि वर्तमान समय में क्या सरकार पर किसी प्रकार का संकट नजर आ रहा है? कोई संकट नहीं है, कोई संकट, एकदम अटूट संबंध है जेएमएम का साथ हमारा। हम अपना धर्म निभाते हैं, गठबंधन का धर्म निभाते हैं हम, जहाँ जहाँ रहे हैं। कोई सरकार पर कुछ हुआ भी है तो कांग्रेस बढ़ चढ़ करके हम लोग आगे आए हैं और गठबंधन के साथियों के साथ हम खड़े दिखे हैं बराबर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।